Hello guys, so now we're discussing example number 13. Inverse trigonometry का example 13 बहुत important है, उसमें जो logic बताया जाएगा इसको please carefully देखिएगा, ठीक है। So question में यहाँ क्या बोला है, tan inverse 2x plus tan inverse 3x आपका यहाँ पे है बेटा pi by 4 के इक्वल, और आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि वी नो द प्रॉपर्टी आपको पता है, यहाँ पे आप रिलैक्स होके यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा 2x plus 3x upon 1 minus 2x into 3x, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें x का कोई प्रॉपर्टी नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या है, रैंडमली हम अभी वो वाला प्रॉपर्टी पाई वाला भी नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ से जब आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, ये tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 5x अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 6 एंड दिस इज x स्क्वायर, और ये tan आपका चला यहाँ पे pi by 4 के पास, एंड tan pi by 4 इज़ नथिंग बट 1, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बना 6x स्क्वायर, ये बना 5x, ये बना माइनस 1, ठीक है, और ये इक्वल्स टू 0 हुआ। इसके जब हमने प्राइम फैक्टर है ना, जब हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से किया तो ये बना 6x माइनस 1 और ये बना आपका x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से इस क्वेश्चन में यू गाइस कैन सी, अब देखते हैं x का एक वैल्यू आपके पास माइनस 1 है और x का एक वैल्यू आपके पास 1/6 है। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बट द मेन थिंग यहाँ पे ये है कि x इक्वल्स टू माइनस 1 को यहाँ क्यों नेगलेक्ट किया गया है, और x इज इक्वल्स टू 1/6 को ही यहाँ पे आंसर क्यों बोला गया है। तो इसका लॉजिक क्या है वो सुनिए। अगर मैंने पुट कर दिया x को यहाँ पे माइनस 1 सॉरी, तो ये हो जाएगा बेटा आपका tan इनवर्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स माइनस 3, ठीक है। और अगर आपने इसको फॉर्मूले में पुट किया तो ये हुआ आपका tan इनवर्स माइनस 2 प्लस माइनस 3 अपॉन 1 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 3। इसको सॉल्व करने से यहाँ tan इनवर्स के अंदर क्या बचता, माइनस 5 बचता ऊपर, और नीचे ये हो जाता माइनस 2 इंटू माइनस 2 इस प्लस का 6 और 1 माइनस प्लस 6 माइनस का 5। तो यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब द थिंग इज, अब अगर जब ऊपर भी नेगेटिव आ जाए नीचे भी नेगेटिव आ जाए, अगर आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे आपका ये जो x लिखा है वो भी ज़ीरो से छोटा हो, y भी ज़ीरो से छोटा हो, ऊपर दोनों जगह जब नेगेटिव आ जाता है, तो इस चीज़ का आंसर क्या होता है, जो ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव बचता है ना बेटा, तो आप इसको लिखते हैं माइनस का tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x में ये आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यू कैन सी, जब इसको सॉल्व किया जाएगा है ना, जब अगर आपने माइनस 2 और माइनस 3 को इन्वर्ट पुट किया होता तो यहाँ पे माइनस का पाई एक्स्ट्रा आना चाहिए, दिस इज़ द प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे प्लस प्लस आता तो कोई टेंशन नहीं था, और अगर यहाँ प्लस या माइनस का एक कॉम्बो बनता तो इंस्टेड ऑफ माइनस पाई यहाँ पे आता पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली यू कैन सी इस क्वेश्चन में, अब फर्दर अगर मैं देखूँ और अगर मैंने चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे आता बेटा ये माइनस का पाई प्लस टेन इनवर्स यहाँ लिखा है, माइनस फाइव और माइनस फाइव को कैंसिल करोगे तो आप प्लस का 1 बचेगा, और टेन इनवर्स 1 इज़ नथिंग बट पाई बाय 4 होता है, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको ये मिलेगा माइनस का 3 पाई बाय 4।
और ये माइनस का 3π/4 डेफिनेटली आपके जो पाई बाय फोर क्वेश्चन में गिवन है ये इसके इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये इसके इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आप x की वैल्यू को यहाँ पे -1 पुट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एग्ज़ाम्पल 18 है उसमें x इक्वल्स टू 1/6 को ही इकलौता सॉल्यूशन क्यों बोला गया है। सो दिस इज़ दी ओनली सॉल्यूशन, ये ही इकलौता सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर -1 को सॉल्यूशन होना होता तो यहाँ -1 डालने से उसको भी पाई बाय फोर के इक्वल आना पड़ता। लेकिन आपने यहाँ देखा, जैसे आपने यहाँ -1 डाला, इस इक्वेशन ने एक ऐसा सडनली चेंज ले लिया कि आपका आंसर आया है -3π/4 एंड दैट इज़ नॉट योर आंसर। ओके, सो होपफुली द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।